हेलो फ्रेंड्स, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उसके अंदर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये एरर जो है शो होती है, जो आपका वीडियो है वो प्ले नहीं हो पाता। दिस वीडियो इज आइदर अनअवेलेबल और नॉट सपोर्टेड इन दिस ब्राउजर। एरर कोड जो होता है वो मीडिया ERRSRC नॉट सपोर्टेड। ये क्यों आता है और किस रीजन से आता है, आज इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे और इसको किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं, इन्हें फिक्स कर सकते हैं। और ये एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि किस तरीके से आप जो सर्वर्स वगैरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ पर मेरे को एक कमेंट आया एक सिस्टर का, उन्होंने जब कोई वेबसाइट ओपन कर रही हैं तो उनके सामने ये एरर शो हो रही है और ये काफ़ी वो ट्राई कर चुकी हैं लेकिन वो एरर ये ठीक नहीं हो रही है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर यही सोल्यूशन लेकर आया हूँ। हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस एरर को किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एरर आपके सिस्टम के अंदर क्यों शो होता है, इसके कई सारे रीजंस होते हैं और हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताने वाला हूं। इसका सबसे पहला रीजन जो होता है आपका गूगल क्रोम है या गूगल फायरफॉक्स या ओपेरा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आउटडेटेड वर्जन हो चुका है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर वीडियो के अंदर प्ले नहीं हो पा रही हैं, तो आप सिंपली उसको अनइंस्टॉल कीजिएगा और उसको नया यानी अपडेटेड वर्जन जो है उसको इंस्टॉल कीजिएगा। गूगल क्रोम, ओपेरा या जो भी फायरफॉक्स वगैरह आप A to Z आप उसको यूज़ कर रहे हो उसको अपडेट कीजिएगा। सेकंड रीज़न इसके अंदर ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर एडोब फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल नहीं होता, जिसके कारण ये वीडियो जो है प्ले नहीं होता और आपके सामने ये एरर शो हो जाता है, मीडिया ERC एरर नॉट सपोर्टेड। तो आप सबसे पहले इसको क्या नाम है, एडोब फ्लैश प्लेयर को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम के अंदर, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी ठीक हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती है तो थर्ड रीज़न जो है आपका .NET फ्रेमवर्क भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में .NET फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल ना हो, तो .NET फ्रेमवर्क भी आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम इसके करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं होती है तो चौथा रीज़न आप ये आजमा सकते हैं कि आप अपने ब्राउज़र की जो कैशे है उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री जो कुकीज़ वगैरह जो होती हैं वो उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं वहाँ से। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व आउट हो जाए। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम ये सोल्व आउट नहीं होती हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो करने से आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व आउट हो सकती है, अगर ये नहीं होती हैं तब आप प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं होती है तो फिर ये वेबसाइट की ही प्रॉब्लम है जहाँ से ये आप वीडियो प्ले कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है तो सर्वर्स वगैरह लिए जाते हैं, आपको पता होगा होस्टिंग वगैरह ली जाती है, तो होस्टिंग्स के अंदर जब ये हम सॉफ्टवेयर ये वीडियोस वगैरह डालते हैं तो वहाँ पर जो उसके प्लेस वगैरह होते हैं, जो उसके एक्सटेंशंस होते हैं, वो कई बार उसको वीडियो को सपोर्ट नहीं कर पाते। यानी जब हम ये वीडियो जब आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उसके एक्सटेंशंस हैं वो सर्वर जो आपका सर्वर जहाँ पर ये वीडियो पड़ा हुआ है वो एक्सटेंशंस जो होते हैं उसको क्रॉल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है प्ले करने में दिक्कत करता है, ये एरर शो करता है। तो ये रीजंस हैं और इस रीजंस को आप ठीक आप इसको तरीके से अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्या नाम है एडोब फ्लैश प्लेयर .NET फ्रेमवर्क अगर आपको पास नहीं है और आपको नहीं पता कि क्या कहाँ से आपको मिल सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर बताया था गेट इनटू PC, यहाँ पर आप इसमें क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सर्च के अंदर आप एडोब फ्लैश प्लेयर जैसे आप टाइप करेंगे एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, 21 रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसको लेटेस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, ये नीचे आइएगा, यहाँ पर ये रहा फायरफॉक्स, ओपेरा, एडोब फ्लैश प्लेयर, ये सब के अंदर काम करेगा। आप इसको इसका पासवर्ड अगर पूछे तो 123 आप दे दीजिएगा, ये एक्चुअली 60-70 MB का फाइल है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और .NET फ्रेमवर्क भी आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये छोटे से रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपका ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा था, और आशा करता हूँ कि आप इसको वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।